और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। बिहार के गोपालगंज में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। बुधवार सुबह तक बीते 12 घंटों में 8 लोगों ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि ये मौतें शराब से नहीं बल्कि बीमारी से हुई है। मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। इस घटना के बाद से ही बीजेपी ने बिहार सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है राज्य में सरकार की शराबबंदी के कारण अवैध शराब कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। बिहार में अप्रैल महीने में नीतीश कुमार की सरकार ने पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के परिवार में झगड़ा बढ़ता जा रहा है। आज यूपी कैबिनेट की बैठक में नाराज शिवपाल सिंह यादव शामिल नहीं हुए। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि मुलायम सिंह यादव की हरी झंडी के बावजूद अखिलेश यादव ने कौमी एकता दल के सपा में विलय का विरोध किया है, जबकि शिवपाल ये विलय चाहते हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव के बाद एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाएगी। इस मौके पर उन्होंने ये घोषणा भी की कि इलाहाबाद में मेट्रो ट्रेन चलेगी। केंद्रीय मंत्री की पत्नी को जान से मारने की धमकी देने और ब्लैकमेल करने के आरोप में बुधवार को दिल्ली के तुगलकाबाद रोड पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक शख्स केंद्रीय मंत्री की पत्नी से 2 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था। यही नहीं, उसने उन्हें ये भी धमकी दी कि यदि वो ऐसा नहीं करती है तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। आरोपी मंत्री की पत्नी को निजी बातों की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तुगलक रोड थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण इलाके के आला पुलिस अधिकारी इस और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर आपके ट्रेड विंग बागी हो गया है। ट्रेड विंग के संयोजक ब्रजेश गोयल ने कहा कि वे पार्टी के फैसले के खिलाफ उद्योगों और व्यापारियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के फैसले पर चिंता जताई। इतना ही नहीं, उद्योगपतियों की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ाई गई तो वे लोग आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से उतार फेंकेंगे। ब्रजेश गोयल बुधवार को व्यापारियों से मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर दरें लागू की गई तो व्यापारी लोग धरने पर भी बैठ सकते हैं। चीन ने हाल के दिनों में कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वह भारत के साथ अपने बेहतर रिश्ते चाहता था। वह नहीं चाहता कि दुनिया की दो उभरती महाशक्तियों में तनाव हो। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक और जहां भारतीय मीडिया पर आपसी संबंधों को कथित रूप से नकारात्मक रूप देने के लिए कोसा था, वहीं उसने कश्मीर पर चीन की नीति में आते बदलाव का संकेत भी दिया है। ग्लोबल टाइम्स से पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर का 2 बार जिक्र किया गया है और उसे पाक अधिकृत कश्मीर लिखा है, जिसे अब तक वह पाक प्रशासित कश्मीर लिखता बताता रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि कश्मीर मुद्दा भारत पाकिस्तान का निजी मुद्दा है जिसे उन्हें खुद सुलझाना है। भागलपुर में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर 26 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी है। इससे जिले के 100 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। सुल्तानगंज में गंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि घाट तक पहुंचने के लिए बने रास्ते पर भी घुटनों तक पानी भर गया है। इस्माइलपुर प्रखंड में सबसे भयावह स्थिति है। मंगलवार को इस्माइलपुर बाजार के पास 3 बच्चे पानी के तेज बहाव में बह गए, जिनमें एक की मौत हो गई। भाई ब्रह्मपुर गांव के घरों में इतना पानी घुस गया कि चौकी पर सो रही 5 साल के मासूम की पानी में गिरकर डूबने से मौत हो गई। जिले में अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सोबोर प्रखंड की बाबूपुर रजंदीपुर सड़क बाढ़ में पूरी तरह डूब गई, जिससे दर्जनों गाँव का NH से संपर्क कट गया। मुलायम को मुख्तार पसंद है लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नहीं। कल से ये संभावना जताई जा रही है कि मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हो सकता है। शिवपाल ने इसके लिए मुलायम से हरी झंडी ले ली है, लेकिन सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव अब भी राजी नहीं है। मुख्तार का ये मामला मुलायम परिवार में मूंछ का सवाल बन गया है। नेताजी के इशारे को आदेश बताकर 2 दिन से यूपी की राजनीति को अपने आसपास घुमाने वाले शिवपाल यादव के लिए अच्छी खबर नहीं है। मुलायम ने भले ही मुख्तार को लाने के लिए शिवपाल को हरी झंडी दे दी है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव किसी कीमत पर राजी नहीं है। अखिलेश को अपनी छवि की चिंता है क्योंकि बाहुबली की बदनामी को साथ लेकर वो चलना नहीं चाहते।
महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने मालाबार हिल्स स्थित राजभवन परिसर में अंग्रेजों के समय का 150 मीटर लंबे एक बंकर का पता लगाया है जो कई दशकों से बंद पड़ा था। राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल देर शाम बंकर का जायजा लिया। राव अपनी पत्नी विनोदा के साथ बंकर देखने गए। इसके बाद राज्यपाल ने इसे संरक्षित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मशवरा करने का अपना इरादा जाहिर किया। राज्यपाल ने बंकर को तब खोलने का निर्देश दिया था जब 3 महीने पहले पुराने लोगों ने उन्हें राजभवन के अंदर एक सुरंग मौजूद होने के बारे में बताया था। अधिकारी ने एक बयान में कहा कि 12 अगस्त को राजभवन में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने बंकर के प्रवेश को बंद करने वाली एक अस्थायी दीवार खोल दी। एक भूमिगत सुरंग की बजाय कई आकार के 13 कमरों वाली एक पूरी बैरक का पता चला है। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में गायों के दलदल में फंसकर और भूख से मरने की आज तक की खबर पर हंगामा अभी शांत भी नहीं हुआ कि गायों की मौत को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस गौशाला में बड़ी संख्या में गायें पॉलिथिन किल ब्लेड बैटरी इंजेक्शन और सिक्के खाकर भी मर रही है। लोग गायों को लावारिस छोड़ देते हैं जहां तहां वो पॉलिथिन के साथ ये सब भी खा लेती है जिसकी वजह से दम तोड़ रही है। हिंगोनिया गौशाला में गायों के ऑपरेशन में पेट से दर्जनों किले ब्लेड सिक्के मोबाइल बैटरी पत्थर जंजीरें चेन कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के ढक्कन और इंजेक्शन जैसी चीजें निकलती है। इन चीजों के पेट में होने की वजह से गाय बीमार पड़ जाती है और मर जाती है। इन सबसे ज्यादा खतरनाक पॉलिथिन है। एक तरफ सरकार एनजीओ और जनता मिलकर गंगा सफाई और गंगा के कायाकल्प का काम करेंगे तो दूसरी ओर जल संसाधन और गंगा पूर्ण जीवन मंत्री उमा भारती 2 साल तक हर सप्ताह 2 या 3 दिन गोमुख से गंगा सागर के बीच गंगा किनारे पद यात्रा करेंगी। भारती का कहना है कि इस तरह कदम दर कदम नापते हुए वो गंगा और गंगा पुत्रों की मुश्किलें आसानी से समझ पाएंगी तब स्थायी उपाय करना ज्यादा संभव होगा ताकि 2018 में गंगा को फिर से स्वच्छ निर्मल और अविरल करने का लक्ष्य पा सके संकल्प साकार हो सके यानी इसके लिए एक्ट भी बनेगा तो वो जनता की इच्छा के मुताबिक खासकर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की इच्छा के मुताबिक क्योंकि वो गंगा को सबसे ज्यादा सबसे बेहतर समझते हैं और संवेदनशील भी है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।